हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज आपको फिर दिखा रहा हूँ मोतियाबिंद या कैटरेक्ट का सबसे लेटेस्ट इलाज, जो हम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। और जो पेशेंट की आंख में हम लेंस डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन लेंस, जिसको हम लोग कहते हैं विविटी लेंस, राइट। तो ये लेंस है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ विविटी के बारे में। इस लेंस की खासियत ये होती है कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को दूर का तो साफ दिखता ही है, बीच का तो साफ दिखता ही है, काफ़ी हद तक पेशेंट को नियर का भी साफ दिखता है। हाँ, लेकिन बहुत छोटा अक्षर पढ़ना है या बहुत फाइन टेक्स्ट पढ़ना है तो पेशेंट को चश्मे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोसेस हम कैसे करते हैं। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक एक स्टेप आपको इसके साथ साथ समझाता जाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन है। एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिस्टम होता है, मल्टीपल मशीन्स के साथ में सिंक्रोनाइजेशन से ये बनता है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे हम लेज़र मशीन को पेशेंट की आंख में डॉक करते हैं। मैम, अंदर एक लाल ब्लिंकिंग लाइट दिख रही है आपको? दिख रही है, वेरी गुड। तो उसको देखते रहेंगे, शाबाश, हिलना नहीं है, शाबाश। तो ये आप देख रहे हैं, ये मशीन पेशेंट की आंख में हमने डॉक कर दी है सक्शन, और बस अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम हमें गाइड करना शुरू करेगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये सिस्टम हमें बता रहा है कि हमें मोतियाबिंद की ओपनिंग कहाँ बनानी है। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग ओपनिंग यहाँ होनी चाहिए, हल्का सा मैंने इसको और सेट कर दिया। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं जहाँ पे मशीन हमें बताती है कि कटिंग कहाँ पे होगी। तो ये आप देख रहे हैं, ये मशीन सारा हमें बता रही है कि इस लेयर पे ऐसे काटा जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये मशीन बता रही है कि हमें लेंस को किस एरिया में निकालना है। तो ये मशीन ने बताया है कि इतना निकालना है, इसको थोड़ा सा हम और बेटर कर देंगे, हल्का सा मैंने इसको और एडवांस स्टेज तक ले गया, और हम अब लेज़र के लिए रेडी है। तो बस अब हमने लेज़र फायर करना है और सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप लेज़र से कर देता है, कोई इसमें सर्जिकल मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। मैम हिलेंगे नहीं, लेज़र शुरू कर रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, ये लेज़र ने अपने आप ही बिल्कुल परफेक्ट राउंड सेंट्रल ओपनिंग बना दी। ये देख रहे हैं, पूरा बिल्कुल इतना परफेक्ट कभी हाथों से बन ही नहीं सकता, ये सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेज़र से हो सकता है। और आप देख रहे हैं, अब ये लेज़र जो है ये मोतियाबिंद को काटते जा रहा है, काटते जा रहा है, काटते जा रहा है, घोलता जा रहा है, घोलता जा रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में बना देगा, जिसको हम सक्शन से निकाल लेंगे, राइट। तो लेज़र हमारा हो गया है। मैम, कुछ दर्द तो नहीं हुआ? वेरी गुड। तो बस एक स्टेप आपका बहुत बढ़िया हो गया मैम। अब हम आपको दूसरी ओटी में ले जाएंगे और वहाँ पे आँख में हम एक लेंस डालेंगे। सो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है जो पूरे सर्जरी में हमें गाइड करता है, हमें कैसे कैसे सर्जरी परफॉर्म करनी है। इसमें आप सारा देख सकते हैं कि सर्जन या डॉक्टर किधर बैठेगा, लेंस को कहाँ से डाला जाएगा, कितने एक्सिस में रोटेट करा जाएगा। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये हमें हर स्टेप में ऑपरेशन में गाइड करता है। सब आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे गाइडेंस हमें मिलती है। और ये जो हम लेंस निकालते हैं, ये निकालते हैं एक स्पेशल मशीन से, जिसको हम लोग कहते हैं सेंचुरियन विजन सिस्टम, जो इस समय की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। प्लस आपको ये समझना है कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ओटी की मशीन दिखा रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5-6 मशीनों के कॉम्बिनेशन से, सिंक्रोनाइजेशन से बनती है। वो मशीनें बाहर लगी होती हैं जहाँ पे हम पेशेंट का प्री इवैल्यूएशन करते हैं, और ओटी के अंदर हमारे पास ही 3-4 मशीनें होती है फर्दर सपोर्ट के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये ऑपरेशन होता कैसे है। तो सबसे पहला काम होता है कि पेशेंट की आंख को अच्छे से क्लीन करके, ड्रेप करके, सर्जरी के लिए पेशेंट की आंख को रेडी करना। तो ये आप देख सकते हो, पेशेंट को हमने प्रॉपरली एक स्टराइल शीट के साथ सिक्योर कर दिया है, और फिर हम आंख में एक स्पेकुलम लगाते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आंख खुली रहती है, जिससे ऑपरेशन के दौरान आंख बंद ना हो और ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप देख रहे हैं, ये मशीन हमें बता रही है कि कहाँ पे टॉरिक मार्किंग करनी है, और मैंने एक मार्क लगा के वहाँ पे रेडी कर दिया है। बस अब ऑपरेशन को हम शुरू कर देंगे।
ये आप देख रहे हैं कि लेंस बिल्कुल बढ़िया तरीके से निकल चुका है, बस थोड़ी सी हम और सफाई कर देंगे आंख के अंदर और फिर आंख में एक नया लेंस डाल देंगे और बस ऑपरेशन खत्म। और बस अब हम आंख के अंदर लेंस डाल देंगे, अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें और फर्दर गाइड करेगा कि लेंस को कैसे डालना है, कितना टिल्ट करना है, कहाँ पे अलाइन करना है। तो बहुत बढ़िया तरीके से लेंस डाल दिया और बस अब इसको अपनी जगह पर सेट कर देंगे। तो जैसे आप देख सकते हो ये हमें और गाइड कर रहा है कि लेंस को कहाँ पर डालना है और बस थोड़ा सा हमने लेंस को और एडजस्ट कर दिया इसके अकॉर्डिंग और बिल्कुल परफेक्ट जगह पर लेंस को सेट कर दिया। तो ये एडवांटेज है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कि एक्यूरेसी जो है इट इज क्लोज टू 100% एंड इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वी अचीव 100% एक्यूरेसी और बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट्स आते हैं पेशेंट के सर्जरी के बाद। सही, तो बस ऑपरेशन बढ़िया हो गया एंड खत्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको और क्लैरिटी मिली होगी कि आजकल लेटेस्ट मोतियाबिंद के ऑपरेशन कैसे करे जाते हैं और कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी से हम लोग पेशेंट को बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट दे पाते हैं, पेशेंट के चश्मे का नंबर को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और पेशेंट को कंफर्टेबल कर देते हैं। तो आपके मन में और कोई भी डाउट हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैटरेक्ट सर्जरी से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।